देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण नाविक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि चुनावी कवरेज करने के लिए हम लोग निकले हैं और यहां पे इस समय हम मौर्य चाट भंडार बिलाव बाजार जौनपुर में उपस्थित हैं, जो कि केराकत विधानसभा में पड़ता है। दोस्तों बता दें कि यहां पे चाट खाने के बाद और फुल्की खाने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो हम सोचे आप लोगों को दिखाएं। कभी आप अगर केराकत विधानसभा क्षेत्र में कभी आप आए, अगर बिलावा बाजार से होते समय आप गुजरे तो यहाँ पे देखिए मौर्य चाट भंडार। ये मौर्य चाट भंडार है जो बिलाव बाजार जौनपुर में पड़ता है। यही आगे बिलाव पुल है और यही जस्ट पुलवा के पुलवा से जब आप क्रॉस करेंगे तो एक बाज़ार पड़ती है, यही बाज़ार में इनका मौर्य चाट भंडार लगता है। अब इनसे हम बात करेंगे और थोड़ा यहाँ बताएंगे कि अगर हमारे कई दर्शक अगर आना चाहते हैं इनके यहाँ खाने के लिए तो ये कैसे आएंगे। तो भैया क्या नाम है आपका? अंकुश मौर्य। क्या नाम है? अंकुश मौर्य। अंकुश मौर्य, कब से बना रहे हैं आप ये चाट? 10 साल से। तो आप मतलब कब से बना रहे हैं? आपकी बात कौन से किस क्लास में? तो आपको बता देते हैं पिताजी से हम बात करेंगे और ये बताएंगे कि इनका कब से कितने दिन से ये व्यापार चल रहा है। हम इनसे बात करेंगे, ये आपको पूरा हकीकत में बताएंगे कैसे क्या है। आइए इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? भगत मौर्य। भगत मौर्य, तो इतना अच्छा आप चाट कैसे बना लेते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं आप, क्या क्वालिटी? सब अपने हाथों का कलाकारी है। अच्छा अच्छा, कितने दिन से बना रहे हैं? 10 साल। अच्छा अच्छा, 10 साल से। एक बार अपना पूरा परिचय, इस दुकान का पूरा एड्रेस बता दीजिए, अगर कोई आना चाहे इस एरिया में, अगर आप चाट का स्वाद लेना चाहे तो कैसे ले सकता है, यहाँ कैसे पहुँच सकता है? बिलाव बाजार। हाँ, जौनपुर में पड़ता है। अच्छा, और बिलाव घाट जो है बहुत मतलब नामी है। हाँ हाँ, वहाँ से 1 किलोमीटर पूरे साइड में। अच्छा अच्छा, तो अभी चुनाव का भी माहौल चल रहा है, तो इधर क्या माहौल है चुनाव को लेकर? अपना अपना सब लोग अपना अपना पोजीशन बता रहे हैं अपने अपने तरीके से। अच्छा, आपका क्या पोजीशन है, आपके एरिया का क्या पोजीशन है? अच्छा अच्छा, जितने लोग आते हैं। अगर आपसे कोई बात करें कि 5 साल का कार्यकाल बीजेपी का कैसा रहा? बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया लगा। अभी आने वाले समय में 2022 में अभी चुनाव है, 7 मार्च को क्या माहौल रहेगा? तब देखेंगे। अच्छा हाँ, तब देखेंगे है कि नहीं? अच्छा हाँ, तब देखेंगे। खुल के नहीं बोलेंगे? नहीं, खुल के नहीं बोलेंगे अभी तो, मतलब कोई नहीं किसी के बारे में खुल के बोला तो हम कैसे बोलेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। लगातार आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप जमीनी खबर को पाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि समय मौर्य चाट भंडार बिलाव बाजार में हम लोग उपस्थित थे और चुनावी कवरेज कर रहे थे।